बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डायग्नोज किडनी स्टोन, यानी किडनी में स्टोन को किस तरह डायग्नोज किया जा सकता है। तो इसके तकरीबन 7 से 8 पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम किडनी को में स्टोन या किडनी का कोई और मसला हो तो उसको डायग्नोज कर सकते हैं। डायग्नोसिस फॉर किडनी स्टोन सीक्स टू रिवील द लोकेशन ऑफ किडनी स्टोन एंड टू इस्टेब्लिश इफ द पोज एनी रिस्क फाउंड। यानी कि नंबर वन पर हमारे पास है किडनी स्टोन को हम इसलिए चेक करने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं ताकि एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग सके। एक हमें स्टोन की लोकेशन का पता लग सके और दूसरा ये कि स्टोन की वजह से किडनी का कोई हिस्सा डैमेज तो नहीं हो रहा, कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो रही। पेशेंट नंबर टू पर पेशेंट विद रिनल कोलिक दोज विद लार्ज किडनी स्टोन रिपोर्टेड क्लासिक सिम्पटम ऑफ शार्प एंड इंटेंसिव पेन। यानी कि जिनको किडनी स्टोन वगैरह होती है तो वो पेशेंट हमें शदीद किस्म की दर्द का बताते हैं जिसकी वजह से ये महसूस होता है कि शायद इसको किडनी में स्टोन हो। नंबर थ्री पर थ्रू फिज़िकल एग्जामिनेशन मेडिकल डॉक्टर कैन डिटेक्ट एनी टेंडरनेस इन किडनी लोकेशन। और यानी कि जब डॉक्टर आपको फिज़िकली एग्जामिन करेगा तो वो हाथ से आपकी बैक पर और सामने वाले हिस्से को टच करके देखेगा कि वहाँ पर कोई सोजिश वगैरह तो नहीं है, कोई जिस्म का हिस्सा उभरा हुआ तो नहीं है, यानी अपनी एनाटॉमी के हिसाब से चेक करेगा। अगर वहाँ पर कोई इस तरह का मसला टेंडरनेस का कोई मसला आता है तो वो एग्जामिन कर लेगा कि यहाँ कोई स्टोन वगैरह का इशू आ रहा है। नंबर फोर इमेजिंग टेस्ट विच इंक्लूड इंटरवेनस पायलोग्राफी एंड अ सीटी स्कैन आर आल्सो कैरिड आउट बाय डॉक्टर। यानी कि इसके बाद डॉक्टर आपको प्रीफर करेगा कि आप सीटी स्कैन करा लें और एक फ्लूड इंट्रावेनसली आपके अंदर भेजा जाता है जिसकी वजह से एक पायलोग्राफी यानी सीटी स्कैन वगैरह किया जाता है जो कि एक इमेज आपको देता है, जिस इमेज में हम देखते हैं कि नाली के अंदर कुछ है तो नहीं, नाली खाली है या उसमें वाटर है या कोई और फ्लूड वगैरह है, उसमें स्टोन है या नहीं है, तो वो हमें इमेज बताता है। नंबर फाइव पे द मोस्ट प्रीफर्ड टेस्ट फॉर किडनी स्टोन इज़ अ नॉन कॉन्ट्रास्ट स्पायरल कंप्यूटेड टोमोग्राफी। यानी जो सबसे बेहतरीन जो टेस्ट है किडनी स्टोन को मालूम करने के लिए वो है कंप्यूटेड टोमोग्राफी नॉन कंट्रास्ट। इन पास्ट डॉक्टर परफॉर्म इंट्रावेनस पायलोग्राम टू इमेज द पेशेंट यूनिट रेक। यानी पहले जो डॉक्टर ज़्यादातर टेस्ट प्रीफर करते थे वो था पायलोग्राम, जिसकी वजह से पेशेंट के यूटीआई ट्रैक जो होता है उसका हमें इमेज मिलता था। एज द डायग्नोसिस प्रोग्रेस पेशेंट आर ट्रीटेड टू रिलीव देम ऑफ पेन इफ़ एनी पेन इज़ रिपोर्टेड। जब यह डायग्नोस किया जाता है तो पेशेंट अगर दर्द महसूस करता है तो वो भी रिपोर्ट में लिखा जाता है। इन मोस्ट केसेस क्लिनिकल डायग्नोसिस इन्वॉल्व परफॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। और क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले ब्लड और यूरिन के टेस्ट किए जाते हैं ताकि यूरिन का एनालिसिस किया जा सके कि उसमें कैल्शियम की कितनी मिकदार है, फॉस्फोरस की कितनी मिकदार है, यूरिक एसिड कितने लेवल पे है, पीएच लेवल उसका क्या है और इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह हैं। इन केस वेयर देयर इज़ अ फेयर ऑफ किडनी फेलियर किडनी फंक्शन टेस्ट आर परफॉर्म्ड। अगर किडनी फेलियर का कोई मसला होता है तो हम किडनी का फंक्शन यानी LFT वगैरह लिवर RFT रिनल फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स जो किडनी स्टोन को डायग्नोज किया जाता है। नंबर वन के पेशेंट की हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, ठीक है। और नंबर टू पेशेंट डॉक्टर क्लिनिकली फिज़िकली चेक करता है कि उसके जिस्म पर कोई उभार तो नहीं है, बैक साइड पे और फ्रंट ऑफ अपडोमन ग्रोइन रीजन की तरफ कोई उभार वगैरह तो नहीं है, कोई सूजन वगैरह तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है, तो इस चीज़ को वो एग्जामिन करेगा। पेशेंट से पूछेगा कि उसको कहाँ पर दर्द महसूस हो रही है, पेशाब किस तरह आ रहा है, यूरिन किस तरह आ रहा है, यूरिन का कलर क्या है, यूरिन आपको बार बार आता है या एकदम आता है या रुक रुक कर आता है या
फुल प्रेशर में आता है, उसमें से स्मेल वगैरह कैसी आती है, यानी ये तमाम तर मालूमात लेगा। इसके बाद RFT रेनल फंक्शन टेस्ट किया जाएगा, उसमें चेक किया जाएगा कि स्टोन वगैरह इसमें है या नहीं। यूरन टेस्ट किया जाएगा, यूरन में pH लेवल, कलर, उसकी ट्यूबिडिटी, सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, जिसके वजह से भी पता लगता है कि इसमें किडनी स्टोन की फॉर्मेशन है या नहीं। यूरन का एनालिसिस किया जाएगा, उसमें ये चेक होता है कि, उसके बाद हम CT स्कैन वगैरह करते हैं और पायलोग्राम करते हैं और टोफोग्राफी करते हैं। ये मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो कि किडनी में स्टोन को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। और नए आने वाले तमाम नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।